नोएडा शहर का प्रसिद्ध ताप बिजली घर इन दिनों अपने प्रदूषण के लिए सुर्खियों में बना हुआ है। गूगल मैप में खापरखेड़ा बिजली घर की चिमनियां बड़े पैमाने पर धुआं उगलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन आश्चर्य इस बात का है कि प्रदूषण नियंत्रण मंडल नागपुर की ओर से किसी भी प्रकार की हलचल होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। प्रदूषण की रोकथाम के लिए बिजली घर प्रशासनों के प्रयासों पर भी सवालिया निशान लगा हुआ है। खापरखेड़ा बिजली घर के 500 मेगावाट और कोराडी बिजली घर की तुलना में खापरखेड़ा के 210 मेगावाट के 4 यूनिटों की दोनों चिमनियां 25 गुना अधिक राख उगल रही हैं। प्रदूषण से त्रस्त स्थानिक नागरिक निरंतर आवाज उठाते रहते हैं, लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधि और बिजली घर के अधिकारी उन्हें अनसुना कर देते हैं। संबंधित विभागों पर इसका कोई भी असर होता नजर नहीं आ रहा है। गूगल मैप पर खापरखेड़ा और कोराडी थर्मल पावर स्टेशन की फोटो देखने पर प्रदूषण के स्तर का अंतर साफ दिखाई देता है। खापरखेड़ा बिजली घर के 210 मेगावाट यूनिटों की दोनों चिमनियों से भारी मात्रा में धुआं निकलते हुए नजर आ रहा है। खापरखेड़ा क्षेत्र हा प्रदूषणासाठी खूप गाजत आहे। गेल्या अनेक वर्षापासून प्रदूषण ही इथे एक मोठी समस्या आलेली आहे। या प्रदूषणाला कारणीभूत म्हणजे येथील खापरखेड़ा वीज केंद्र। आपण माझ्या पाठीमागे बघू शकता, खापरखेड़ा वीज केंद्राच्या 3 चिमण्या तुम्हाला दिसत असेल, पण 2 चिमण्यांमधून मोठ्या प्रमाणात राखेचा धूर हवेत जात आहे, आकाशात जात आहे। आकाशामार्गे तो जवळपासच्या 15 किलोमीटरच्या परिसरात पडतो। या परिसरातील झाडांवर, पानांवर, छतांवर, अंगणात तुम्हाला राखेचा राख पसरलेली दिसेल। प्रदूषण इतके वाढलेले आहे की लोकांना विविध आजार होत आहे। खापरखेड़ा से NBC न्यूज के लिए अरुण महाजन की रिपोर्ट।